राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह के सभी दर्शकों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। पति की लंबी आयु के लिए सभी सुहागिन इस दिन निर्जला व्रत रख पति की दीर्घ आयु की कामना करती हैं। करवा चौथ भगवान शिव और माता पार्वती सहित कार्तिकेय और रिद्धि सिद्धि के दाता गणेश जी की पूजा कर पति के मंगलमय जीवन की कामना की जाती है और चंद्र दर्शन कर व्रत का समापन किया जाता है। पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा से मंगलकारी कोई दूसरी कथा सुहागिनों के कल्याण के लिए नहीं हो सकती। तो आइए अटल सौभाग्य व परस्पर प्रेम को बढ़ाने वाली संकट हरणी इस कथा को सुने। कथा सुनने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा को जो भी भक्त मन से सुनता या सुनाता है उसके संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। शिव पुराण में इसके महात्म्य का वर्णन पाया जाता है। माता सती अपने शरीर का त्याग कर पुनः हिमाचल के यहाँ उनकी पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेकर भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए सहस्र वर्षों तक जल अन्न को त्याग कर कठोर तप करती हैं। उनकी तपस्या से सभी देवता उन्हें प्रसन्न हो योग निद्रा में लीन भगवान शिव को जगाने के लिए कामदेव का सहारा लेते हैं। भगवान शिव की तपस्या में जब विघ्न पड़ता है तो उन्हें क्रोध आ जाता है। जैसे ही क्रोध में वो अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं, कामदेव उनके क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। परंतु ब्रह्मा सहित सभी देवता भगवान शिव की स्तुति करने लगते हैं। हे प्रभु, हिमाचल सुता आपको पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप कर रही है। हे दया निधान, उसका मनोरथ पूर्ण कर हम सभी के कष्टों का निवारण करें। भगवान शिव ब्रह्मा जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। यह सुन देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा करते हैं, ढोल लगाड़े बजा अपनी खुशी का इजहार करते हैं। ब्रह्मा जी सप्त ऋषियों को लग्न पत्र का देकर पर्वतराज हिमालय के यहाँ भेजते हैं। हिमालय ऋषियों का आदर सत्कार कर शुभ घड़ी शुभ लग्न दिखवा कर विवाह का मुहूर्त निश्चित कर वह लग्न पत्र का ऋषियों को दे देते हैं। ऋषियों ने वह लग्न पत्र का लाकर ब्रह्मा जी को दे दी। ब्रह्मा जी लग्न पत्र का पढ़कर सभी को सुनाते हैं। लग्न पत्र का को सुनकर सभी ऋषि मुनि देवताओं में हर्ष की लहर दौड़ जाती है। कैलाश पर उत्सव मनाया गया। उसी समय ऋषि दुर्वासा अपनी माँ अनुसुईया के साथ कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। महर्षि नारद जी सभी का स्वागत करते हैं और ऋषि दुर्वासा से कहते हैं, आप माता अनुसुईया को यहाँ छोड़ने आए थे। तब ऋषि नारद जी से बोले, नहीं, मैं भी भगवान भोलेनाथ के विवाह में सम्मिलित होने के लिए आया हूँ। यह सुन नारद जी कहते हैं, आप विवाह में सम्मिलित होंगे तो ये अच्छी बात है, परंतु आपका क्रोधी स्वभाव विवाह में कोई अड़चन पैदा न कर दे, क्योंकि आप जरा सी बात पर क्रोधित होकर श्राप दे देते हैं। तब ऋषि दुर्वासा बोले, मैंने अपनी माता को वचन दिया है, न ही मैं क्रोध करूँगा और न ही मैं विवाह जैसे मांगलिक अवसर पर किसी को श्राप दूंगा। महर्ष नंदी को सूचना देते हैं दुर्वासा ऋषि आने की। दुर्वासा ऋषि अपनी माँ के साथ पधारे हैं। नंदी शीघ्र ही आकर ऋषि और माता अनुसुईया का स्वागत करते हैं और अपने साथ ले जाकर माता अनुसुईया को अतिथि गृह में विश्राम करने का निवेदन करते हैं। जब दुर्वासा ऋषि ने देखा शिव के सभी गण नाच गाने और मस्ती में लीन हैं, जैसे ही ऋषि दुर्वासा भगवान शिव के पास पहुँचते हैं, सभी देवता गण विवाह समारोह की खुशी में अतिथियों का स्वागत सत्कार कर हंसी परिहास कर रहे थे। भगवान शिव के गण ऋषि दुर्वासा से विवाह में नाचने के लिए आग्रह करते हैं। उन्हें लगा कि सभी गण मेरा परिहास कर रहे हैं। यह देख उन्हें क्रोध आ जाता है और वे श्राप देते हुए बोले, भगवान शिव का वेश और उनके गणों की ऐसी वेशभूषा देखकर कभी भी कन्या पक्ष वाले इनके साथ विवाह नहीं करेंगे। और भगवान शिव से बोले, तुम्हारे इस रूप को देखकर कन्या पक्ष भयभीत होकर मूर्छित हो जाएगा। यह सुन नारद जी ऋषि दुर्वासा से बोले, हे मुनि, आपने यह कैसा अनर्थ कर दिया। विवाह जैसे मांगलिक कार्य
में श्राप रूपी विष घोल दिया। इतने में नंदी वहां आ जाते हैं और ऋषि से कहते हैं, आपके साथ हंसी शिटोली तो शिव गड़ौने की थी और श्राप आपने भगवान शिव को दे दिया। दुर्वासा ऋषि को अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने तो अपनी माँ को वचन दिया था और मैं जब उनके साथ आया हूँ, अब माँ सुनेगी तो क्या कहेगी, मुझसे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। तभी श्री हर विष्णु वहाँ आ जाते हैं और दुर्वासा ऋषि से कहते हैं, ऋषि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, यही विधि का विधान है। श्री हर की ऐसी बात को सुनकर सभी के मन को सुकून मिलता है और श्री हर के कहने पर सभी बारात के साथ जाने को तैयार होने लगते हैं। शिव जी के गढ़ शिव जी का अनोखा श्रृंगार करते हैं, जटाओं का मुकुट बनाकर सर्पों से सुशोभित करते हैं, कानों में सर्पों के कुंडल और गले में मुंडियों की माला धारण करते हैं, विभूति का लेप वस्त्रों के स्थान पर बागंबर और ललाट पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा, गले में नर मुंडों की माला, ऐसा अद्भुत श्रृंगार किया गया था उनके गणों के द्वारा। हल्दी की जगह जले हुए मुर्दों की राख से शरीर पर लेप किया गया था, एक हाथ में भगवान त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमंडल, वैल पर सवार हो भगवान शिव की बरात सज जाती है। परात में भूत पिशाच असुर विच्छित लोग उनके विवाह के मेहमान के रूप में उपस्थित थे। सभी बरात में जाने के लिए तैयार खड़े थे क्योंकि जब भगवान राम का विवाह हुआ था तब भूत पिशाचों को विवाह में आमंत्रित न करने पर वे बेहद दुखी थे। वे अपने आप को अपशगुन और अमंगल के कारक मानते थे, इसलिए किसी भी शुभ कार्य में उन्हें आमंत्रित नहीं किया जाता। वे जोर जोर से रोने लगते हैं। यह देख भगवान भोलेनाथ का हृदय करुणा से भर आता है और वे सभी से बोले, राम विवाह में न सही पर मेरे विवाह में तुम सभी का स्वागत है, अर्थात मैं अभी से अपने विवाह में सम्मिलित होने के लिए तुम्हें निमंत्रण देता हूँ। तुम सारे अमंगल और अपशगुन को साथ लेकर मेरे विवाह में आ जाना। इसलिए सभी खुश होकर मौज मस्ती के साथ शिव की बरात में सम्मिलित हो रहे हैं। जैसे ही बरात नगर की सीमा में पहुंचती है, सभी बच्चे और बड़ों का उत्साह बढ़ जाता है। माता मैना मंगल थाल को सजाती हैं, स्त्रियां मंगल गान गा रही हैं। शिव की आरती के लिए मैना माता के सुंदर हाथों में सोने का थाल से शोभित था और वे खुशी खुशी शिव का मंगल टीका करने के लिए हाथों में थाली लेकर आगे बढ़ रही थी। जैसे ही वे श्री हरि के रूप सौंदर्य को देखती हैं, खुश होकर नारद जी से पूछती हैं, महर्षि जी ये ही मेरी सेवा के शिव हैं। तब नारद जी बोले, ये तो श्री हरि हैं, पार्वती के पति तो और भी अधिक अद्भुत और अलौकिक हैं, उनकी शोभा का वर्णन करना असंभव है। इस प्रकार एक एक करके सभी देवताओं का मैना को नारद जी परिचय देते हैं। तभी कुछ ही क्षण में भगवान अपने गणों के साथ पधारते हैं। उन्हें देख सभी भयभीत हो जाते हैं। बारात देखने आए बच्चे भय से भागकर अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं और चीखने चिल्लाने लगते हैं। मैना माता के हाथों से मंगल थाल छूट जाता है। वे भगवान शिव को देखते ही बेहोश हो जाती हैं। जब उन्हें होश आता है तो वे राजा हिमाचल से कहती हैं, मैं ऐसे भेष में अपनी बेटी का विवाह शिव से नहीं कर सकती। तब पार्वती अपनी माता से कहती हैं, माँ हट छोड़ो, यह समय विषाद करने का नहीं है, भाग्य के लेख को कोई नहीं बदल सकता। मैंने स्वयं ही भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया है। वे माँ को समझाकर भगवान शिव के पास जाकर निवेदन करती हैं, हे प्रभु मुझे आप सभी रूपों में स्वीकार हो, लेकिन सभी के माता पिता की यह आशा होती है कि उसका दामाद सब के दामादों से सुंदर हो। तभी वहाँ श्री हरि आ जाते हैं और माता पार्वती से कहते हैं, आप चिंता न करें, आज भगवान शिव के रूप को देखकर सभी दंग रह जाएंगे, आज मैं उनका अद्भुत श्रृंगार करूँगा। यह कहकर स्वयं श्री हरि भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनाते हैं। भगवान शिव के ऐसे रूप सौंदर्य पर करोड़ों कामदेव भी लज्जित करने वाले थे। इस रूप को श्री हरि चंद्रशेखर की उपमा देते हैं।
बोलिए चंद्रशेखर भगवान शिव की जय। भगवान नारद हिमाचल और मैना को पार्वती के सती रूप की कथा सुनाते हैं। पार्वती तो सदा से ही भगवान शिव की अर्धांगिनी है। नारद जी के मुख से पार्वती के पूर्व जन्म की कहानी सुन सभी का विषाद दूर हो जाता है। मैना और हिमाचल आनंद से भरपूर हो जाते हैं। पर्वतराज हिमाचल हाथ में कुश लेकर कन्या का हाथ पकड़कर भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं। जैसे ही भगवान शिव ने माता पार्वती का पार ग्रहण किया, सभी देवताओं में खुशी की लहर छा गई। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, अनेकों प्रकार की शहनाइयां बजने लगी। सारा वातावरण भगवान शिव और माता पार्वती के जय जयकारों से गूंज उठा। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा होती है। इस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न होता है। दर्शकों, ये थी भगवान शिव और जगत जननी माता पार्वती के विवाह की कथा। आप आपके परिवार पर सदा भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बरसती रहे, इसी शुभकामना के साथ आज की वीडियो को हम यहीं विश्राम देते हैं। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।